हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल राधा स्वादा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बनाएंगे तिल की एक बहुत ही अनोखी मिठाई जो बहुत ही टेस्टी लगता है खाने में और इसे बनाना बहुत ही ईजी है। तो चलिए फ्रेंड्स, रेसिपी शुरू करते हैं। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल बटन को ऑन करना ना भूलें ताकि आप मेरे कोई भी वीडियो को आप मिस ना कर सकें। तो चलिए हम इसे बनाना शुरू करते हैं। तिल की इस मिठाई को बनाने के लिए मैंने गैस पे एक पैन रखा है गर्म होने के लिए। हम इसमें डालेंगे एक कप सफ़ेद तिल और गैस का फ्लेम हम मीडियम टू लो रखेंगे। हमें तिल को भूनना है जब तक कि ये थोड़ा सा रोस्ट ना हो जाए, इसका थोड़ा सा कलर चेंज ना हो जाए। अब देखिए यहाँ पे तिल हमारा भून चुका है, इसका कलर चेंज हो चुका है और ये थोड़ा सा फूल सा गया है देखिए, यानी ये अब हो चुका है। गैस का फ्लेम हम बंद करके इसे एक प्लेट में निकाल लेंगे। तिल को मैंने यहाँ पे निकाल लिया है और सेम पैन को मैंने फिर से गैस पे रख दिया है। हम इसमें डालेंगे हाफ कप दूध, गैस का फ्लेम मैंने मीडियम टू लो रखा है और साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे हाफ कप चीनी। मैंने यहाँ पे नॉर्मल चीनी लिया है, आप चाहे तो पाउडर चीनी ले सकते हैं और इसे हम मेल्ट कर लेंगे इस तरह से चलाते हुए। देखिए यहाँ पर चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है और यहाँ पर मैंने लिया है हाफ कप मिल्क पाउडर। हम इसमें थोड़ा थोड़ा मिल्क पाउडर डालेंगे और इसे मिक्स करते जाएंगे इस तरह से। एक ही बार में सारा मिल्क पाउडर ना डालें, नहीं तो इसमें गुठलियाँ बन जाएगी और वो फिर गुठलियाँ जल्दी ख़त्म नहीं होंगी। तो हम थोड़ा थोड़ा डालेंगे और अच्छे से मिक्स होने के बाद ही फिर से दूसरी बार डालेंगे। तो सारा मिल्क पाउडर हम इसी तरह से डाल के दूध में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे देखिए सारे मिल्क पाउडर को मैंने दूध में अच्छे से मिक्स कर लिया और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ नहीं बनी हैं। तो अब हम इसमें डालेंगे काजू का पाउडर। मैंने यहाँ पे हाफ कप ही काजू का पाउडर लिया है, इसे हम इसमें डाल देते हैं और इसे भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम मैंने अभी मीडियम टू लो ही रखा है, इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं दूध में। तो देखिए काजू का पाउडर भी हमारा अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम इसमें डाल देंगे जो हमने रोस्ट किया हुआ तिल रखा है और इसे मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हम थोड़ा सा बढ़ा देंगे, लगभग मीडियम टू हाई रखेंगे और इसे तब तक हम चलाते हुए गाढ़ा करेंगे जब तक ये एक डो फॉर्म में ना आ जाए। 4 से 5 मिनट हो चुके हैं और हमारा जो पेस्ट था वो एक डो फॉर्म में देखिए आने लगा है और देखिए कढ़ाई में भी नहीं चिपक रहा है। अब हम गैस का फ्लेम बंद कर लेंगे और इसे फैला के हम लगभग 10 मिनट छोड़ देंगे ठंडा होने के लिए। ठंडा होने के बाद ये और भी हार्ड हो जाएगा। यहाँ पे मैंने एक प्लास्टिक सीट ली है जिसे मैंने थोड़ा सा ऑयल से ग्रीस कर लिया है। इसके ऊपर हम अपना डो रखेंगे। देखिए डो ठंडा होने के बाद किस तरह से हार्ड हो गया है। तो हम डो को सीट के ऊपर निकाल लेते हैं और ये पूरा ठंडा नहीं हुआ, ये अभी हल्का सा गर्म है। तो अब हम इसे बेलेंगे। तो इस तरह से ऊपर हम सीट डाल लेंगे और इसे बेलन की मदद से पतला बेल लेंगे। बहुत ज़्यादा हमें पतला नहीं बेलना है, तो इस तरह से हम बेल लेते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे बेल लिया है और कोशिश किया है मैंने इसे चौकोर बेलने का। अब हम ऊपर का सीट हटा लेंगे और इसके ऊपर हम डालेंगे डेसिकेटेड कोकोनट। ये नारियल का बुरादा है, ये 1/4 कप मैंने लिया है। इसे हम इसके ऊपर अच्छे से स्प्रिंकल कर लेंगे इस तरह से। नारियल का पाउडर मैंने इसके ऊपर स्प्रिंकल कर लिया है और यहाँ पर मैंने थोड़े से काजू और पिस्ता को छोटे छोटे टुकड़ों में काट लिया है, इसे इस तरह से हम स्प्रिंकल कर लेंगे इसके ऊपर। तो देखिए ये हो चुका है। अब हम बेलन से हल्का सा इसे प्रेस कर लेंगे इस तरह से ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। इस तरह से हो चुका है। अब हम इसे रोल करेंगे। तो हम इस तरह से उठाएंगे, हल्का हल्का इस तरह से हम रोल करेंगे पकड़ के। देखिए इस तरह से हल्के हाथों से हम इस तरह से घुमाते जाएंगे और इसे टाइट रोल कर लेंगे। मैंने उसे रोल करके ट्रांसफ़र कर लिया था अल्मोनियम फॉयल के ऊपर और आधे घंटे के लिए मैंने फ्रिज में रख दिया था इसे सेट होने के लिए। ये सेट हो चुका है और मैंने यहाँ पे एक बड़ा सा ट्रे लिया है, इसके ऊपर हम थोड़ा सा नारियल का पाउडर छिड़क लेंगे इस तरह से और इसके ऊपर हम रोल को लपेटेंगे ताकि
उसके ऊपर नारियल का बुरादा ऊपर से लग जाए जिससे वो चिपके ना, और इसे हम खोल के इसके ऊपर डाल देते हैं, देखिए इस तरह से, और इसे हम इस तरह से घुमा लेंगे, देखिए पूरे के ऊपर नारियल का जो पाउडर था अच्छे से लग चुका है। अब हम इसे कट करेंगे। मैंने यहाँ पे एक नाइफ लिया है और इसके किनारे को मैंने कट करके अलग कर लिया था, और अब हम इसे कट करेंगे इस तरह से, देखिए इस तरह से। जितने भी आपको इसकी मोटाई रखनी है उतने आप अपने अनुसार इसे कट कर सकते हैं, और हल्का सा हम इसे शेप दे देंगे इस तरह से। तो पूरे हम रोल को इसी तरह से कट कर लेंगे। सारे रोल को मैंने यहाँ पे कट करके तैयार कर लिया, और हमारी बहुत ही स्वादिष्ट तिल की मिठाई बनके तैयार है। इसे तिल का रोल, तिल का मिठाई या फिर तिल का गजक भी कह सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट बना है, तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलें, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो फिर मिलते हैं किसी नई रेसिपी के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।